जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। अपने नापाक मंसूबों के साथ आतंकी घाटी में दहशत फैला रहे हैं। कल यानी 22 जुलाई को जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने सेना के कैंप को निशाना बनाया। राजौरी में आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। आतंकी हमले में सेना का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। 3 बजे हमें सूचना मिली थी कि जहां कहीं ग्रेनेड का अटैक हुआ टेररिस्ट की से, तो एक हमारा जवान थोड़ा इंजर्ड था, तो हमारी एम्बुलेंस और प्लस हमने एक टीम मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ सारी फर्स्ट एड के साथ हमने डिप्यूट की थी, तो उस बाद में उसको हमने शिफ्ट किया था जवान को अपने को। बाकी 3-4 सिविलियन को हल्की हल्की इंजरीज आई हैं ग्रेनेड की, तो वो चल रहा है अभी। इन मेडिकल ऑफिसर की बात सुनकर आप उस समय के माहौल को समझ सकते हैं। आतंकियों को इस दौरान सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का तलाश अभियान भी जारी है। बता दें कि इससे पहले भी आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे चुका है और पिछले महीने इन हमलों में बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन सेना के जवान इन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तलाशी अभियान चला रहे हैं।